राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज पितृ पक्ष के 14वें दिन मैं आपको सुना रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय। बंधुओं, जो कोई भी पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत गीता को सुनते हैं उनके पितृ उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। इसलिए बंधुओं, पितृपक्ष के जो दो दिन शेष रह गए हैं उनमें आप श्रीमद् भागवत गीता को अवश्य सुने और सुनने के बाद श्रीमद् भागवत गीता सुनने का फल अपने पितरों को अर्पित कर दें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो कृष्ण भगवान की जय, पितृ देव की जय। बंधुओं, श्रीमद् भागवत गीता सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आशय करके धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों से प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। हे अर्जुन, सर्व देह अभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीव आत्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में ही लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह और अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात संसारिक चेष्टा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता विषय भोगों की लालसा यह सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां यह सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर जिस काल में रजोगुण बढ़ता है उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है।
तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूल योनियों में उत्पन्न होता है, क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजो गुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तमो गुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजो गुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। तमो गुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधो गति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है, तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, किस प्रकार के आचरणों वाला होता है? हे प्रभो, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजो गुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमो गुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है, ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ सुख दुख को समान समझने वाला है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला धैर्यवान है, जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एकी भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का, नित्य धर्म का, अखंड एक रस आनंद का मैं ही आशय हूँ, अर्थात उपयुक्त ब्रह्म अमृत अव्यय और शाश्वत धर्म एकांतिक सुख यह सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आशय हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।